नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। सभी रोगों का कारण पेट तो होता ही है, इसके जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है, जैसे कि ज़्यादा कमज़ोर होना भी एक रोग है, इसी प्रकार से शरीर का ज़्यादा मोटा होना भी रोग है। अब आप कहेंगे कि कितना मोटा होना चाहिए, बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। आप अपने लंबाई को इंच में नाप लीजिए, जितने इंच आपकी लंबाई है उससे एक किलो भी, अगर मान लिया जाए 60 इंच आपकी लंबाई है तो 60 केजी से 61 केजी हो जाए तो समझ लो कि एक किलो मोटापा आपका बढ़ गया। और मोटापा के कारण शरीर में तमाम प्रकार के रोग आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से लोग कई रोगों से परेशान हो जाते हैं, थायराइड बढ़ जाती है, सारी जिंदगी दवा खाते रही। कोई लड़का या लड़की ज़्यादा मोटे हो जाते हैं शादी से पहले, तो शादी होने में बड़ी परेशानी आती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आपको मोटापा से लाभ मिल सके। सवेरे गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के पिए, आधा नींबू और एक चम्मच शहद, और पीने के एक घंटा के बाद ही कुछ खाएं पिए। लेकिन उसमें आप अन्य और कोई चीज़ मत डालना, यानी कि चाय पत्ती भी डालो तो भी डालो, ऐसे नहीं। बिना चीनी के आप चाय पीजिए या बिना चीनी के कॉफ़ी पीजिए, उससे भी आपको मोटापे में लाभ होगा। कई लोग ग्रीन टी पीते हैं, तो ये मानता हूँ कि ग्रीन टी से भी लाभ होता है, लेकिन जितना लोग समझते हैं उतना लाभ नहीं हो पाता, लाभ जरूर होता है। आप कोई दवा न भी खाएं, तो हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए, सलाद की मात्रा बढ़ा लीजिए, फल है, जूस है, इस प्रकार की चीज़ें आप लेते रहेंगे तो पेट में कब्ज भी नहीं होगा, मोटापे में लाभ होगा। जीरा एक चम्मच कूट पीस के रख लीजिए, अगर काली जीरी हो जाए तो अति उत्तम है, लेकिन वो कड़वी होती है, फायदा वो भी ज़्यादा करेगा काली जीरी। एक चम्मच जीरा को, पीसे हुए जीरा को आप पानी में डालिए और उबाल करके उसका काढ़ा बना लीजिए। जब उबलते उबलते आधा पानी जल जाए, उतार करके छान करके बिना चीनी डाले उसको पीजिए सुबह और शाम, एक एक चम्मच जीरा डाल करके, उससे भी आपको मोटापे से लाभ मिलेगा। भुनी हुई हींग, काला नमक और जीरा बराबर मात्रा में मिला करके पीस के रख लीजिए। एक एक ग्राम की मात्रा में दही में मिला करके खाइए, इससे भी आपके मोटापे में आपको बड़ा लाभ होगा। अगर आप ये सब झंझट नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि दवा से ही आपको लाभ मिले, तो आयुर्वेद में हमारे बहुत अच्छी प्रकार की दवाई इसके लिए है। वृद्धि बाधिका बटी दो दो गोली, मेदोहर गुग्गल दो दो गोली सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। त्रिफला के चाय पी सकते हैं, उसमें शहद डाल करके, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जंक फूड से बचिए जितना, अगर जंक फूड खाते रहेंगे, तली चटपटी खाते रहेंगे, तो आपको किसी भी दवा से वह लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। आजकल के दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और ये भोजन के खान पान की अव्यवस्था के कारण कई लोगों को इन तमाम दवाइयों से जब लाभ नहीं होता, बड़े निराश और परेशान हो जाते हैं। हमने इस बारे में चिंतन किया कि आजकल के वातावरण में जहाँ पर आयुर्वेद की कई दवाइयाँ उनको उतना काम नहीं करती जितना वो अपेक्षा करते हैं, तो क्या करना चाहिए। इसके लिए बड़ा हमने सोच विचार करके, बड़ा रिसर्च करके एक दवा बनाया, जिसको सप्ताह में
एक दिन खाना पड़ता है। परिणाम ये होता है कि उससे वजन ऐसे घटता है, घटने का कारण क्या है, एक चम्मच उस दवा का खीर बना करके खाना होता है, उसके बाद कोई भी चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 7 दिन तक न तो आपको भूख लगेगी, ना आपको कमजोरी आएगी शरीर में, और स्फूर्ति सी आ जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा, और प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में बंधी हुई लैट्रिन खुल खुल के आएगा। और जब बंधी हुई लैट्रिन आएगी और पेट में कुछ पड़ेगा ही नहीं, तो अपने आप अनावश्यक चर्बी आपके कम हो जाएंगे। इस प्रकार से इन जो बताए हुए दवाइयों का आप उपयोग भी कर सकते हैं, और विशेष प्रकार की दवाई अगर आपको चाहिए खीर वाली जो सप्ताह में ही कम कर दे, तो आप हमारे गुरु आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और हमारा यह वीडियो आपको लोगों तक पहुंचाइए जिससे और लाभ उठाएं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकन बटन को आप टच कर सकते हैं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।